हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस इज कबरी। आज के रेसिपी में हम शेयर करेंगे पनीर दम बिरयानी की रेसिपी। इसे हम बनाने वाले हैं एक खास मेहमान से और चलते हैं रेसिपी को शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। यह रेसिपी एक बार इस तरीके से जरूर ट्राई करेंगे अपने घर में। आज के बाद यह रेसिपी कभी भी आप मार्केट से नहीं मंगाओगे और डेली बनाओगे अपने घर पे। तो इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए कुछ वाटर, अच्छे से बॉयल करेंगे। तो मैंने रख लिया है यहाँ वाटर, अच्छे से थोड़ा सा गर्म हो गया है। इसमें ऐड करेंगे जितने भी हमारे बेसिक गर्म मसाले होते हैं, सब ऐड करना है। आपको सारे स्क्रीन पे इसके नेम दिख रहे होंगे। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे जितने गर्म मसाले हैं। उसके बाद थोड़ा सा ऐड करेंगे बे लीफ। अगर आप चाहो तो इसे तड़के में यूज़ कर सकते हो, पर आप मैं इसे ऐसे ही डालूंगी। और थोड़ी सी स्लाइसेस हमें लेमन का ऐड करना है और इसमें नमक। उसके बाद इसे 2 से 3 मिनट तक बॉयल होने के बाद इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा बासमती राइस, जितने भी आपको बनाने हैं उस क्वांटिटी में। अब साथ में ऐड कर देंगे कोरिएंडर लीव और मिंट। इसे आप चाहो तो तड़के के साथ या ऊपर से डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हो, पर थोड़ा सा ऐसे ऐड करेंगे, इससे अच्छा फ्लेवर आता है। अब 2 से 3 मिनट हो गए हैं, अब राइस काफ़ी अच्छे से पक गई है, यानी कि 80% हमें इसे कुक करना है। तो अब हो गया है ये, तो हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे और इसे साइड में फैला के रख लेंगे और ये ठंडा होने तक इस तरह से फैल जाएगा। अब काफ़ी अच्छे से ये हो गया है। अब सेकेंड मेथड में हमें लेना है एक पैन और इसे मीडियम फ्लेम पे इसमें ऐड करेंगे बटर, जिसमें मैंने लिया है 4 टेबल स्पून बटर। अगर आपके पास घी है तो आप उसे भी ऐड कर सकते हो। और इस तरह से जैसे ही बटर को अच्छे से हमें मेल्ट करना है, तो इस तरह से हमने पूरे बटर को ऐसे स्प्रेड कर दिया है। उसके बाद इसमें लिया है 2 स्लाइसेस अनियन के, कट कर लिए हैं, बिल्कुल बारीक कटे हुए चाहिए हमें। और इसे थोड़ा सा हम इसे सोटे करेंगे, इसे मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा जिंजर, थोड़ा सा गार्लिक और कुछ क्लोव, जिससे कि काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा। और उसके बाद हमें कटना है के बाद इसमें ऐड करेंगे 2 टमाटर के, बिल्कुल बारीक कटे हुए, और इस तरह से इसे सोटे करेंगे साथ में। इसके बाद इसमें ऐड करना है थोड़े से नट्स, जिसमें मैंने लिया है काजू, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर ऐड करेंगे बाद में, फिर कश्मीरी लाल मिर्च और टर्मरिक पाउडर और थोड़ा सा ये बेसिक मसाले जितने होते हैं, हमें सारे मसाले को ऐड करना है। बिरयानी मसाला ऐड कर दिया। अब इन सबको अच्छे से सोटे करेंगे थोड़ी देर तक। जैसे ये अच्छे से हो जाए, इसमें थोड़ा सा वाटर डालेंगे और इसका एक अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे, जैसे कि ग्रेवी बनती है बिल्कुल वैसा। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे आप अपने हिसाब से और इसे कवर करके रख देंगे। अब ये काफ़ी अच्छे से हो गया है। अब इसका हम ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। आप देख सकते हैं मसाले हमारे एकदम रेडी हो चुके हैं। तो इसे हम पोर करेंगे एक बॉल में। उसके बाद इस पर ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम, फुल क्रीम होना चाहिए, थोड़ा सा दही और इसे अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद हमें इसमें ऐड करने हैं कसूरी मेथी, कोरिएंडर लीफ और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद आपके पनीर के क्यूब्स जितने भी ऐड करना है उसे ऐड कर देना है और इस तरह से डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और ऊपर से ऐड करेंगे अनियन जो हमने फ्राई करके पहले से रखे हुए हैं। अब ये मखनी की ग्रेवी एकदम रेडी हो चुकी है। तो उसके बाद इसमें पैन में थोड़ा सा घी लेंगे और इस तरह से उसके सारे पनीर के जितने भी हमने मखनी रेडी किया है इस तरह से डाल देंगे और फ्राई अनियन थोड़ा सा पैन में ऊपर से लगा देंगे। फिर हमें लेना है जो हाफ बॉइल्ड राइस है उसे भी ऐड करेंगे ऊपर से, और फिर ऊपर से फिर से हमें मखनी को रेडी करना है, पनीर मखनी जो बना के रखा है। सेकेंड स्टेप में भी ऊपर से 2 लेयर में हमें इस तरह से रखना है पूरा, और इसे फ्राई अनियन ऊपर से स्प्रेड कर देंगे, थोड़ा सा कोरिएंडर लीफ और मिंट और थोड़ा बहुत हमें घी या बटर, आप जो भी ऐड करना चाहते हैं इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। मैंने यहाँ घी लिया है और आटा का हमने अच्छे से आटा लगा लिया था, इस तरह से साइड में ऐसे कवर कर देंगे
और इस तरह से इसको कवर करके अच्छे से रखना है। और लो फ्लेम पे हमें गैस को रखना है और इसमें डायरेक्ट नहीं रखना है, कोई भी बर्तन इसे रख लेंगे, यानी कि हमने तवा रखा है और उसके बाद इस पे रखा है हमने ये कढ़ाई, जिससे कि ये अच्छे से मीडियम फ्लेम पे हमें करना है एकदम। और 12 से 13 मिनट बाद इसे तक स्टीम को अच्छे से कुक करेंगे और ये स्टीम के थ्रू होने चाहिए। और ये देखिए कवर हटा दिया मैंने, आप देख सकते हैं मेरी एकदम फुल राइस एकदम रेडी हो चुके हैं ये बिरयानी। और मैं आपको दिखाती हूँ कितने खिले खिले और एकदम स्वादिष्ट, बहुत ही खुशबू आ रही थी। एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कितना बिल्कुल एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे दिख रहा होगा, जैसे कि हम रेस्टोरेंट में खाते हैं बिल्कुल वैसा। सिर्फ ये दिखने में नहीं, खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगा था। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।